सर मैं बाद में बात करता हूँ। असद प्लीज, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। समझने की कोशिश करो। I'm sorry असद, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं बिला वजह रूड हो गई, तुम्हें पता है उस वक्त से मुझे बिल्कुल सुकून ही नहीं आ रहा। प्लीज मुझसे बात कर लो ताकि मुझे थोड़ा सुकून आ जाए। तुम्हें हर वक्त अपने सुकून की क्यों पर रहती है? क्या चाहती हो तुम? मैं हर वक्त बैठ के तुमसे बातें करता रहूं और कुछ ना करूं? नहीं असद, मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं था। मैं फ्री होकर तुमसे बात करूंगा। दूरियां है कैसी, दो दिलों में आई, प्यार वाली बातें तो है गिलों में आई, साथ भी नहीं जो हाथ भी ना छोड़े, खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तूने तोड़े, अखियां ले रावा दस के जावा, मैं ना किसे दा ना कोई मेरा। हेलो असद बेटा, कहाँ हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बस फोन साइलेंट पे था। इतनी परेशान थी, सो नहीं सकी आज। I'm sorry मामा, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस आराम करें, सुबह आपको ऑफिस भी जाना होगा। अच्छा सुनो, तुम सुबह ऑफिस ना जाना, मैंने रबिया से बात कर ली, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। कोई तुम्हें वहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं मामा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखती है ख्याल। बहुत अच्छी लड़की है। चलो आराम करो, अपना ख्याल रखना, कल बात करेंगे, ठीक है? ओके ओके, गुड नाइट। ओके रबिया, कॉल पिक करो मेरी। क्या बात है, आज इतनी फ्रेश मॉर्निंग है और आप फ्रेश नजर नहीं आ रही हैं। सोई नहीं है क्या? नहीं, मैं सोई थी। हाँ अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान सो रहा होता है ना, उसका ज़हन जाग रहा होता है, तभी वो मॉर्निंग फ्रेशनेस नजर नहीं आती। जब से असद गए हैं तब से लगता है कि मैं ठीक तरह से सोई नहीं। देखिए प्यार मोहब्बत रिश्ते जो हैं, एक तरफ असद से आपकी इस मोहब्बत, इतनी लगाव की वजह से मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट, बहुत कदर करता हूँ। पता है आज के दौर में आप जैसी वाइफ खुश नसीबों को ही मिलती है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे असद की किस्मत पे बहुत रश्क आता है। ज़ारा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आई होप कि आप माइंड ना करें। इंसान को अपनी ज़ात, अपनी कदर व कीमत, अपनी हैसियत खुद बनवानी पड़ती है, और जब तक आप खुद अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अपनी अहमियत नहीं मनवाएंगे,
तो लोग आपको अहमियत नहीं देंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने नोट किया है कि आप असद को बार बार कॉल करती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि असद ने आपको कॉल किया। नहीं ऐसा नहीं, असद मुझे कॉल करते हैं। देखिए माय डियरस्ट अपोलॉजीज, मैं आपको फ्रेंड नहीं करना चाहता और ना मैं चाहता हूँ कि आपका दिल असद के लिए खराब हो। मैं समझता हूँ, जानता हूँ कि जब एक इंसान घर से दूर होता है उसके 10 मसाइल होते हैं, लेकिन आपका तो एक ही मसला है ना, असद से जुदाई। देखिए ज़ारा, अगर असद ने आपको अपने मसलों के बारे में बताना शुरू कर दिया ना, तो जो थोड़ा बहुत सुकून आपकी लाइफ में है वो भी ख़त्म हो जाए। देखिए मेरी माने, आप जो है ना असद से अच्छी अच्छी बातें किया करें ताकि वो खुश रह सके, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप भी खुश रहें। वक्त ने तो गुजरना ही है, आप बस मेरी बात का यकीन करें कि एक ना एक दिन आपने वहाँ होना है या यहाँ असद के साथ होना है। बस आप यकीन रखें कि असद जहाँ भी है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका। जस्ट गिव हिम सम स्पेस, everything will be okay.